हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी होम फूड विद पूनम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे वेज मसाला ओट्स की रेसिपी। तो जो लोग वेट लूज कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्दी होता है ये ओट्स, और वैसे भी बहुत हेल्दी है ये। तो हम इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है ये जो ये ओट्स है। तो आज हम बनाएंगे वेज मसाला ओट्स की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी नेक्स्ट वीडियो का। और कमेंट भी कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए आज बनाते हैं वेज मसाला ओट्स की ये रेसिपी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 120 ग्राम मैंने ओट्स ले लिया है। तो ओट्स ले लिया है यहाँ पर 120 ग्राम। और सब्जियाँ देख लेते हैं। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पर ये एक मैंने गाजर को चॉप कर लिया है बारीक बारीक, और ब्रोकली ले ली है मैंने, इसको भी मैंने कट कर लिया है ऐसे टुकड़ों में, और एक मैंने टमाटर को चॉप कर लिया है, और थोड़ी सी मटर ले ली है मैंने, इसको भी मैंने छील लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है इन सब्जियों को। और यहाँ पर एक प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, दो हरी मिर्च और एक पूरा मैंने लहसुन लिया है 10 से 15 कलियां, और आधा इंच अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पर अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल लिया है। तो क्योंकि हम इसे हेल्दी बना रहे हैं तो मैंने कम तेल का यूज़ किया है इसमें, और ये तेल गर्म हो गया है। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जीरा ले लिया है। तो ये तेल गर्म हो गया था तो जीरा डाल दिया है इसमें मैंने। अब देखिए जीरा भी ये हमारा गोल्डन हो गया है, थोड़ा सा इसको हम जला देंगे तेल में, अच्छे से गोल्डन हो गया है जीरा भी। तो इस टाइम पर अब हम यहाँ पर लहसुन डाल देंगे, अपना चॉप किया हुआ लहसुन, और अदरक डाल देंगे इसमें, अदरक भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हल्का गोल्डन कर लेंगे ताकि इसमें से जो कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए, हट जाए। इसको चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से तेल में, अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पर। अब ये देखिए हो गया है लहसुन अदरक। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी चॉप किए हुए, और हरी मिर्च भी डाल दूंगी इसमें मैं, और इसको भी मिक्स कर लेंगे हम, जो ये हमारा लहसुन अदरक है और मिर्च है इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, इसको हमें हल्का पिंक करना है बस। तो इसको अच्छे से चला लेंगे हम, मिक्स कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारा जो प्याज है ये हल्का पिंक हो गया है, इसको हमने अच्छे से इसमें भून लिया है। अब इसमें मैं सब्जियां डाल दूंगी, ब्रोकली डाल दी है मैंने ये, तो सारी सब्जियां मैं साथ में ही डाल दूंगी ये ताकि सब पक जाए एक साथ। गाजर भी डाल देंगे और मटर भी इसमें मैंने डाल दिए हैं, और इन सारी सब्जियों को हम इसमें मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से भून लेंगे पहले इसको, जो हमने मसाले प्याज और लहसुन अदरक के साथ इसको भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और इसको मैं ढक्कन लगा के लो फ्लेम पर थोड़ी देर 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो गए हैं, जो हमारी सब्जियाँ हैं ये भी पक गई हैं। तो ये हल्की पक गई हैं जो हमारी सब्जियाँ हैं। तो इस टाइम पर अब मैं यहाँ पर टमाटर भी डाल दूंगी, जो मैंने एक टमाटर चॉप किया था ये भी मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मसाले 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1/3 टीस्पून नमक ले रही हूँ मैं, नमक इसमें अभी कम ले रही हूँ मैं, तो बाद में डालेंगे जब कम लगेगा नमक। और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डाल दिया है इसमें मैंने, और इन सबको मिक्स कर लेंगे इन सब्जियों के साथ, टमाटर और जो हमने मसाले डाले हैं। नमक इसमें हम बाद में भी डाल सकते हैं क्योंकि एकदम से ज़्यादा नमक हो जाता है जो ओट्स होता है ये। अब मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, 1 टेबलस्पून पानी डाल के इसको लो फ्लेम पर ढककर 1 से 2 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं, तो ये हमारे टमाटर और मसाले सब्जियाँ में ये पक गए हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ओट्स डाल देंगे। तो ओट्स को हम भून लेंगे पहले मसालों और सब्जियों के साथ। तो ये ओट्स और इसको हम भून लेंगे अच्छे से, मिक्स कर लेंगे पहले। तो अच्छे से मिक्स हो गया है ये, देखिए मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मिला लेंगे इसको, पहले भूनना है इसमें, डायरेक्ट पानी नहीं डालेंगे इसमें हम। तो ये हमने इसको भून लिया है सब्जियों और मसालों के साथ।
ओट्स को। तो ये ओट्स हमारा भुन गया है अच्छे से। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी यहाँ पर मैं 2 गिलास और मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, 2 गिलास और लगभग 2.25 गिलास मैंने इसमें पानी ले लिया है। और नमक मैं इसमें डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया है, थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया है। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और क्योंकि इसमें नमक शुरू में डाल दो तो एकदम से ज़्यादा हो जाता है, अभी पानी डाला है इसलिए मैंने नमक और डाल दिया है इसमें। और इसको ढककर हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो देखिए यहाँ पर 4 मिनट हो गए हैं, तो जो ये हमारा ओट्स है ये पक गया है देखिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको देखिए ये पक गया है। जैसे ये पकता है तो ये और गाढ़ा हो जाता है जो ओट्स है। तो ये देखिए इतना पतला भी ठीक है, अगर आप इससे भी ज़्यादा पतला खाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, वैसे तो ये परफेक्ट है। तो इसमें हम 1/3 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाल लिया है टेस्ट के लिए। अगर आप गरम मसाला नहीं खाना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा वेज मसाला ओट्स रेडी है, बहुत ही हेल्दी है ये, इसको हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी भी वक्त खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है ये वेज मसाला ओट्स। तो अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो आप भी ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी है ये। तो लीजिए हमारा मसाला ओट्स रेडी है, तो आप भी इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तो लीजिए फ्रेंड्स आप भी इंजॉय कीजिए बनाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।